हिमाचल प्रदेश के जाने माने सितारे ने बॉलीवुड में अपना नाम चमकाया है और अभी भी पहाड़ की संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। बैजनाथ से सटे गांव सकड़ी से ताल्लुक रखने वाले अंशुल धीमान अपने फिल्म प्रोडक्शन राजवंश फिल्म के तहत बॉलीवुड में कार्य कर रहे हैं, जो कि अब हिमाचल की संस्कृति व यहाँ की प्रतिभाओं को मुकाम दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। हिमाचल की प्रतिभाओं को मुकाम दिलाने के उद्देश्य से यहाँ एक स्टूडियो बनाने जा रहे हैं, जहाँ फिल्म एंड एक्टिंग के गुर सिखाए जाएंगे और इस क्षेत्र की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बेहतर काम किया जाएगा, जिसमें यहाँ के युवाओं को एक्टिंग सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पालमपुर में भूमि भी खरीद ली है और जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार से भी सहयोग करने का आग्रह किया है। राजवंश फिल्म प्रोडक्शन के निदेशक अंशुल धीमान ने बताया कि पिछले एक डेढ़ महीने से वो अपनी टीम के साथ बैजनाथ क्षेत्र की धौलाधार वादियों तथा यहाँ के प्रमुख मंदिरों में 4-5 गाने शूट कर चुके हैं, जो कि जल्द ही लोगों को देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों व युवाओं में प्रतिभा है, लेकिन उन्हें निखारने के लिए यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं है, जिस कारण वे अपना करियर नहीं बना पाते। पिछले एक महीने से मैं यहाँ बैजनाथ आया हूँ और बैजनाथ के आसपास के इलाकों में, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, शूटिंग की 4-5 गाने का शूट किया मैंने यहाँ पे, यहाँ के लोकल सिंगर बबी मान जी के साथ और लोकल आर्टिस्ट के साथ। और अब उन्हीं गानों के लिए मैंने वो सारा फुटेज जो है वो मुंबई भेज दिया है और अभी मैं जाके वो सारा एडिटिंग उस पर करवाऊँगा और वो आपको गाने जल्दी देखने को मिलेंगे, जैसे भोलेनाथ के ऊपर बनाया, बाकी सारे गाने मैंने यहाँ बनाए। और तो मेरे को यहाँ पर पिछले एक डेढ़ महीने से काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, यहाँ काफ़ी सपोर्ट किया सब ने, पब्लिक ने, मीडिया ने, लोगों ने काफ़ी साथ दिया हमारा। और तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जैसे कि इसी शहर का हूँ, आपको पहले भी बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम लोग यहाँ शूट अच्छे से कर पाएँ, लाइक कैमरे उस लेवल के नहीं मिलते हैं, एडिटिंग के लिए हमें मुंबई भेजना पड़ रहा है चीज़ें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम के लिए मेरा एक सपना है, वैसे तो मैंने हिमाचल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ पर फिल्म सिटी बनाएं हिमाचल में कहीं भी, चाहे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बनाएं, मनाली बनाएं, कहीं भी बनाएं, और उससे क्या लोगों को यहीं फिल्म मेकिंग करने के लिए फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट का अभी बड़ा प्रोजेक्ट है और टाइम जाएगा, तो मेरा एक अपना ही सपना है कि जितनी भी मैंने मेहनत की है, अपना पैसा कमा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, सब एक यहाँ पर स्टूडियो बनाऊँ, एक फिल्म स्कूल बनाऊँ, ताकि जो बॉम्बे की लेवल की जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ रखूँ, ताकि यहाँ के लोगों को भी पता चले कि इस लेवल का काम होता है, एडिटिंग प्रोसेसिंग सब कुछ इधर ही हो जाए, आपको कंप्लीट गाना फिल्म सब कुछ इधर ही मिल जाए। उसके लिए मैं जल्दी ही मैंने एक जगह ले ली है इधर ही पालमपुर एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही लैंड लिया है और अभी मैं उसके लिए उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन और आगे का प्लान सोच रहा हूँ। तो यहाँ मेरा स्टूडियो बन जाएगा तो यहाँ के लोकल यूथ को बहुत मदद मिलेगी, वो लोग यहाँ एक्टिंग सीख पाएंगे, एडिटिंग सीख पाएंगे, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग सारे गुर सिखाए जाएंगे, ताकि यहाँ के बच्चे मतलब जो टैलेंट है वो भी बॉम्बे तक जाए और एक्सपर्ट बन के जाएँ यहीं से। तो मैं सभी से चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरा सहयोग दें, गवर्नमेंट हमारा साथ दे, मीडिया हमारा साथ दे। लाइफ टाइम टीवी के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।